नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस पे आपका स्वागत है। कल मैंने वीकली एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैं ये दिखा रहा था कि हाउ टू लुक एट द मार्केट, यानी प्राइस एक्शंस को एज वेल एज द ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे हम एक्सपायरी के दिन पे कुछ ट्रेड कर सकते हैं। उसी का सेकंड कंटिन्यूएशन आपका ये वीडियो है। आज है 8th of December 2022, थर्सडे। निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन है। अभी है निफ्टी 18,576। कल जैसे कि हमने एक एनालिसिस किया था, 1st December से आपका 7th December तक एक करेक्शंस आया है, एंड देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये सेंटरमेंट में सपोर्ट लेना चाहिए। अगर लेता है तो हमारा एक सेटअप हो सकता है ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, जो लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस खींचना है। प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो देन वी विल बी टारगेटिंग टुवर्ड्स और 18,800 और 850 इन कमिंग डेज। लेकिन ये आज आप देखो, अभी तक उसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज बीइंग वीकली एक्सपायरी, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भी एक सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद हम उसका प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी जो एट द मनी है 18,600 में प्राइस हो रहा है, आप उसके ऊपर देखोगे 18,650 में आपका कॉल्स जो है 153, मीन्स आपका 1,53,00,000 का एक ओपन इंटरेस्ट कॉल पे है, एंड पुट बहुत ही कम है 22 लाख। एंड उसके बाद वाला 18,700 में आपका है 1,94,00,000 का कॉल है अगेंस्ट द पुट राइटिंग ऑफ 25,46,000। सो दैट बीइंग द केस, एक तो करंट जो है 18,600, उसमें 1,96,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है अगेंस्ट 1,06,00,000 पुट इंटरेस्ट। दैट बीइंग द केस, एक्सपायरी जो है आपका 18,600, 650 एंड 700 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। टू बी प्रेसाइज, अपर एंड में 600 एंड 650 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। दैट बीइंग द केस, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये आपका रेजिस्टेंस मिल गया और अभी सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे। आपका 550, 18,550 का जो पुट राइटिंग है वो है आपका 1,10,00,000 एंड 55 लाख का आपका कॉल राइटिंग है, एंड 18,500 जो है आपका पुट राइटर है 1,63,00,000 एंड 30 लाख का कॉल राइटिंग है। दैट बीइंग द केस, 18,500 एक प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है एज पर द ओपन इंटरेस्ट, एंड 18,600 से 18,650 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। So, अभी हम क्या करेंगे, एक इसको आवर्ली चार्ट देखने का प्रयास करेंगे। ओपन इंटरेस्ट में हमें ये दिखा कि 18,600 एंड 650, सो दैट बीइंग द केस आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, एंड 500 जो है ये वाला लाइन इसके नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए एज पर द ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शंस को देखेंगे। जब तक आपका ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे देता है, आपका 650 इज सेफ। और इधर आपका जब तक ये जो छोटा सा एक पिन बार या हैमर कैंडल बनाया हुआ है, उसका लो जो है 18,528, उसके लो के नीचे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सो ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से 18,650 रेजिस्टेंस एंड 18,500 सपोर्ट
सपोर्ट। दैट बीइंग द केस, अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 18,650 का जो कॉल है उसका प्रीमियम है ₹7.40, और 18,500 का जो पुट है वो है ₹6.60। तो आप अगर यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर बनाओगे, आपका यहाँ पे 18,600 का कॉल का राइटिंग है, तो मैं 650 का राइट करूंगा। निफ्टी 18,650 कॉल, आप अगर एक लॉट के हिसाब से देखोगे कितना है, एंड उसके अगेंस्ट में मैं जो ये 4 लॉट का था इसको मैं 1 लॉट कर देता हूँ, 50,000 50 का। सो 1 लॉट 650 का सेल करेंगे एंड 900 कॉल का बाई करेंगे, तो मेरे को मार्जिन चाहिए 30,000। एंड नीचे मेरे को निफ्टी 18,500 का पुट को शॉर्ट करेंगे तो मेरे को कितना मार्जिन अमाउंट चाहिए, 1,000। उसके अगेंस्ट में मैं क्या करूंगा, निफ्टी 18,400 के पुट को बाई कर लूंगा। तो हम देखेंगे ये अगर जब मेरे को रेंज मिल चुका है तो मेरे को कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा एक एक लॉट राइट करने के लिए। सो यहाँ पे देखो 50,000 में एक कॉल सेल कर सकते हैं और एक पुट सेल कर सकते हैं विथ ए प्रॉपर हेजिंग। हेजिंग मीन्स उधर का कॉल पुट को बाई करना है। सो 50,000 में एक लॉट है, 50,000 में एक लॉट है, तो आप देखोगे यहाँ पे ₹8 है और 900 का कॉल को बाई करेंगे ₹1, तो रफ ₹7 यहाँ पे आपको क्रेडिट आएगा। और इधर 18,500 का है आपका ₹6 एंड वर्सेस ₹1, सो ₹5 जो भी प्रोसेस में ₹4 ले लेता हूँ, 4 और 7 ₹11 आपका जरूरत पड़ेगा। सो ₹11 अगर इस मेरे को नेट क्रेडिट मिल रहा है, 11 × 1 लॉट इतना होता है आपका ₹550 आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर राइट बाय इन्वेस्टिंग और यूजिंग कितना INR 50,000। तो आपका परसेंटेज टर्म्स में कितना हो गया, रिटर्न 550 डिवाइडेड बाय 50,000 आपका हो गया 1.1% परसेंटेज रिटर्न, 1.1% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका एक कैलकुलेशन है। इसी के हिसाब से आप अगर मीन्स वीकली एक दिन का मेरा टारगेट क्या है, एक एक एक्सपायरी में 1-1%, यानी थर्सडे का एक्सपायरी पे 1%, मंगलवार का फिर निफ्टी एक्सपायरी पे 1% एंड फ्राइडे का करेंसी में 1%। सो ओवरऑल 3% पर वीक, मंथली 12%। फिर भी मैं उसको थोड़ा डाउनसाइजिंग कर लेता हूँ, हाफ पकड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 6% पर मंथ। सो पर एनम कितना हो जाएगा, 72% पर एनम। अभी देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस मेरा यहाँ पे चल रहा है। कल ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द डे मैंने सिर्फ पुट को राइट किया था, 18,500 के पुट को राइट किया था एंड उसके दूर का जो हैच किया था वो था 18,400। इसके कॉम्बिनेशन में आप देखोगे करीबन 3,000 टाइप का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, 3,100 टाइप। अभी आज ड्यूरिंग द डे मैंने क्या किया, एक 18,700 का 8 लॉट शॉर्ट किया एंड 18,650 का 2-4 लॉट शॉर्ट किया, तो यानी टोटल 12 लॉट मैंने शॉर्ट किया।
शॉर्ट करके मेरे को ये अभी M2M मिल रहा है। मेरा टारगेट कितना है, 15,000 का टारगेट है आज के एक्सपायरी पे। आप अगर देखोगे 7 रुपया इंटू 2 1400 रुपया, 3 इंटू 4 1200 रुपया, करीबन 2600 रुपया यहाँ पे मेरे को आ सकता है, प्रोवाइडेड आई एम राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे 5 इंटू 400 2000 रुपया। सो कितना हो गया आपका, जैसे कि रफ ले रहा हूँ, 2000 उठ का मिलेगा और इधर 8 इंटू 1200 रुपया और इधर आएगा 7 इंटू 2 1400 रुपया। मेरा अगर सही जाता है तो मेरे को और 4600 रुपया मिलना है, 4600, और ऑलरेडी मेरा जो PNL है ये है 5500 प्लस 5500। लेट मीन द केस, ये अगर करेक्ट जाता है तो मेरा ऑलरेडी 10,000 बन सकता है, बट मैं मार्केट को ब्लाइंडली नहीं खेलूंगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या प्राइस अपने हिसाब से चल रहा है या नहीं। ये हो गया आपका आवरली चार्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। मेरा थोड़ा सा इश्यूज हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे ही 15 मिनट का क्लोज दे देगा थोड़ा 650 वाला विल बी इन चैलेंजिंग, 18,650 थोड़ा चैलेंज करेगा। सो मेरे को वहां पे प्राइस एक्शंस देखना है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी, जिसमें मैंने पोजीशन लिया नहीं, क्योंकि मैं आइदर निफ्टी लूंगा या बैंक निफ्टी लूंगा, दोनों लेने से मेरे को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम्स होता है। कब प्रॉब्लम्स होता है, जब आपका एक्सपेक्टेशन के बाहर प्राइस चला जाता है, तब जाके उसको मीन्स उसका रोल ओवर करने के लिए थोड़ा सा, उसका रिकैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए मैं अगर निफ्टी में पोजीशन लेता हूँ तो बैंक निफ्टी में नहीं लेता हूँ, और बैंक निफ्टी में लेता हूँ तो मैं निफ्टी में नहीं लेता हूँ। सो अभी आते हैं पहले प्राइस एक्शंस पे। ये हो गया आपका वीकली डेली एंड मंथली चार्ट्स। तो डेली मंथली देखो अबव 60 सुपर बुलिश, वीकली देखो अबव 60 सुपर बुलिश, एंड एज वेल एज डेली इज आल्सो अबव 60 सुपर बुलिश। दैट बीइंग द केस, अभी हम क्या करेंगे इसको आवरली एंड 15 मिनट्स में ड्रिल डाउन करेंगे। अब देखोगे कल का जो मेरा एनालिसिस था बैंक निफ्टी के ऊपर, हम लोग यहाँ पे एक लमसम एक रेजिस्टेंस लिया था 43,500, एंड इधर है आपका 42,900 का एक सपोर्ट जोन बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट किया था। उसके आप एनालिसिस उसको देखोगे, उस टाइम पे ये रेंज के अंदर में फंसा हुआ था। डेट बीइंग द केस, हम क्या कर रहे थे, लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना था, लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना था। यहाँ पे आप बाइंग करोगे या पुट को राइट करोगे, एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको अगर राइट करोगे तो जितना प्रीमियम है उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, अगर बाई करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम आपको उसके हिसाब से PNL ज्यादा कम हो जाएगा। सो हमारा जो एनालिसिस था, उस एनालिसिस था कि पहले इसको लोअर लेवल पे बाई करने के, बाइंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना था लोअर टाइम फ्रेम में। अभी क्या कर रहा है, अभी जो हम देख रहे हैं वो एनालिसिस तो कल का एनालिसिस था, वो हो गया। अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में क्या है, आप देखोगे प्राइस पहला आवरली कैंडल बहुत ही बड़ा बनाया है, उसके बाद बैक टू बैक फॉलो अप हो रहा है। यहाँ पे जो फॉलो अप हो रहा है ये रेंज के बाहर, जो सेकेंड कैंडल है आज का आवरली बेसिस पे, सेकेंड कैंडल एक पिन बार बनाया ऑन द रेजिस्टेंस जोन, इन्वर्टेड पिन बार नहीं, पिन बार बनाया है। दैट मीन द केस, यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 15 मिनट वाले पे भी ड्रिल डाउन करने का कोशिश करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या बना रहा है आप बताओ, इससे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से। दैट बीइंग द केस, हमें कॉल राइटिंग में थोड़ा सा केयरफुल होना है, पुट राइटिंग हम आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट में आते हैं। ओपन इंटरेस्ट में कल आप देखोगे बैंक निफ्टी में लोअर लेवल मीन्स नीचे की तरफ कॉल पुट राइटर्स था ही नहीं, सो हम थोड़ा सा केयरफुल हो गए थे। आज देखो कितना बड़े बड़े कैंडल्स आ चुका है, एट द मनी जो है अभी 43,400, वहां पे कॉल राइटर 78 लैक्स, पुट राइटर 68 लैक्स, ऑलमोस्ट सेम है।
अभी देखो नीचे के तरफ 43,300 का पुट राइटर 86 लाख है, कॉल राइटर 40 लाख 39.98। उसके नीचे वाले पे 43,200 पे पुट राइटर 78 लाख वर्सेस 22 लाख, उसके नीचे 62 लाख वर्सेस 11 लाख। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस किया था, कॉल राइटिंग में हमें केयरफुल होना था एज पर द प्राइस एक्शन। वो जो एनालिसिस आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो लोअर लेवल्स पे इतने बड़े बड़े कैंडल्स ओपन इंटरेस्ट का बना है। दैट बीइंग द केस अभी जो सब यानी कॉल पुट राइटिंग हमारा वेरीफाई हो गया कि हमें सिर्फ पुट राइटिंग से थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा है। अभी पुट कॉल राइटिंग यानी ऊपर की तरफ जो है वो है 43,500, जिसमें कॉल 90 लाख का है वर्सेस 37 लाख का पुट एट 43,500। उसके बाद ज्यादा प्राइस इतना ज्यादा राइटर्स है नहीं। दैट बीइंग द केस प्राइस अगर 43,500 के ऊपर ऊपर बोले तो 43,550 के आसपास सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट के लिए, तो यहाँ पे एक जूम अप ऊपर की तरफ हो सकता है। ये जो एनालिसिस ऑन द ओपन इंटरेस्ट, क्या ये प्राइस एक्शन को मैच कर रहा है? तो प्राइस एक्शन में आप देखोगे ये जो था 43,520 का कल का ओपन था, कल नहीं ये 1 दिसंबर का हाई था, सो दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज ए रेजिस्टेंस 500 का। लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा एंड वहां पे एक जूम करके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सो आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं क्या करूंगा, पुट राइटिंग, पुट को शॉर्ट करने का मेरा प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। तो मैं कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ? अभी मार्केट किधर है? 43,404। तो एक तो है मैं 300 का पुट को राइट कर सकता या 200 का पुट को राइट कर सकता हूँ। तो 300 वाला एकदम 100 पॉइंट बोले तो बहुत नजदीक है आपका, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन 43,000, 43,100 या 43,200 का पुट को आप राइट कर सकते हो। अभी आते हैं देखते हैं कि आपका प्रीमियम कितना है। 43,000 पीई, देन 43,100 पीई, देन 200 का पीई एंड 300 का पीई, और दूर का हमें 42,800 का एक पीई ले लेते हैं आउट ऑफ द मनी जो पुट को हमें बाई करना है। तो आप देखोगे 43,300 का जो पुट राइट करोगे तो आपको 40 रुपया मिल सकता है, और 200 का करोगे तो 20 रुपया मिल सकता है। 20 माइनस 5 इस 15 रुपया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कितना पैसा लग सकता है हमें। तो हम यहाँ पे एक 43,200 रहा है देख लेते हैं। फोर्टी 200 ई, इसको अगर एक लॉट में बेचता हूं और उसके अगेंस्ट 42,800 का पुट को मैं अगर बाई करता हूं एक लॉट, तो मेरे को कितना मार्जिन लग सकता है? मेरे को यही 31,000 का मार्जिन लग सकता है, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी इतना लगेगा। और इधर 22 रुपया मार्सेस 5 रुपया, सो 15 रुपया, 15 लेट इट बी 14 रुपया, 14 रुपीज फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, फोर्टीन इंटू 25 इज इक्वल टू 350 रुपीज आपको मिलेगा एक लॉट में यूजिंग यूजिंग 31,000
थाउजेंड पर लॉट, विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 31,000, विच इज 1.12 रिटर्न, 1.12% जो हम टारगेट कर रहे हैं। ये हो गया एक लॉट का। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो एक एक लॉट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब मास्टरी आएगा आपका इस लेवल पे, मास्टरी आने के बाद आप 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट आप कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में आप बड़े बड़े लॉट से राइट मत करो। पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझ लो। एक बार आप समझ लेते हो उसके बाद आपका चॉइस है आप कितना लॉट लगाओगे। सो ये यहाँ पर भी एक देखो कि मैं यहाँ पे 43,300 का भी ले सकता था, लेकिन मैं 43,300 में थोड़ा सा केयरफुल हूँ, तो मैं एक धाप नीचे आया हूँ। मैं अगर 43,300 का लगाता हूँ तो मेरे को प्रीमियम कितना लगा 43,300 का, 42 - 5 यानी करीबन मान लो रफली 36 रुपीस, 43 - 6, so 37 rupees into एक लॉट का 2500, 925 by using आपका मार्जिन ऑफ लेट इट बी 40,000, थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं तो 40,000 कितना हो गया 43 - 6, 37 × 25, 925 / 40,000, तो आपका वो परसेंटेज रिटर्न हो जाएगा 2.31, बेटर परसेंटेज रिटर्न्स यहाँ पे अगर आप ये वाला नज़दीक वाला ऑप्शन राइट करते हो। लेकिन नज़दीक वाला ऑप्शन थोड़ा सा कंफर्ट देगा नहीं, कि कभी भी आपको चैलेंज कर सकता है ये लेवल पे आके, बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। लेकिन आप 200 में करोगे तो टेंशन कम है, या और थोड़ा आगे चले जाओगे 100 में करोगे तो उसमें भी आपका 100 का भी थोड़ा सा कम है। हालांकि ये 14 रुपया है, 14 - 6 मीन्स से रफली 10 रुपया पकड़ता हूँ, 25 यानी 250 रुपया, 250 रुपया एम्प्लॉइंग आपका 31,000, सो 0.8%, नॉट बैड, वो और थोड़ा सेफ आपका बैट हो जाएगा 43,100 का। सो यहाँ पे ये हो गया मेरा अप्रोच। अभी मैं हालांकि मैं बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मेरा जो टारगेट है निफ्टी का टारगेट है। सो क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बिल्डअप किया हुआ है, जहाँ पे मेरे को टेंटेटिव मेरे हिसाब से जाएगा तो ये मेरे को 10,000+ का प्रॉफिट दे सकता है, 10,000+ का प्रॉफिट बाई यूजिंग आप देख लो 5 लाख यानी 2%। लेकिन मेरा ओवरऑल कैपिटल इज सिर्फ 15 लाख, सो 15 लाख का 10,000 भी होता है, 10,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख हो गया 0.66%। हालांकि बाद में मैं और थोड़ा यहाँ पे तो मैंने हाफ से भी कम मार्जिन यूज किया है, ऑलमोस्ट 1/3 किया है, तो और भी बाकी है। जैसे मेरे को ड्यूरिंग द एंड मैं और थोड़ा जैसे जैसे और मेरे को और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा, मैं और कुछ पोजीशंस लेने का प्रयास करूंगा। सो दिस इज द अप्रोच दैट आई एम लुकिंग एट द वीकली एक्सपायरी। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन सबको अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप 1% टारगेट कर सकते हो ऑन एनी एक्सपायरी, वेदर इट इज थर्सडे का बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी हो, ट्यूजडे का फिन निफ्टी एक्सपायरी हो, या फ्राइडे का करेंसी एक्सपायरी हो। थैंक यू अभी के लिए एंड हैव अ गुड डे।